हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराशे। आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम कुछ स्पेशल देखने वाले हैं। स्पेशल क्या है? तो आज स्पेशल ये है कि हम देखेंगे आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है या नहीं, क्या मुझे मेरा करियर गवर्नमेंट जॉब में बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो कौन सा जॉब मेरे लिए अच्छा होगा, ये जॉब कैसे मिलेगा और सैलरी कितना होगा। इन सारे पॉइंट्स को आज हम हमारे वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो सेशन। हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी स्टूडेंट्स के मन में एक कॉमन सा मिसकंसेप्शन है कि अगर हमने साइंस किया है तो ही हमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने 12th आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से किया है तो भी आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है। आज की वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से जॉब 12th कॉमर्स के बाद गवर्नमेंट में आप कर सकते हो। तो वीडियो पूरा देखना ताकि आपके जो भी डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, सारे क्लियर हो सके। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये भी गाइड करूंगा कि आपको कौन से एग्जाम्स देने हैं ताकि आपको वेरियस पोस्ट मिल सके, जैसे रेलवेज में, डिफेंस में, स्टेट पुलिस में। तो आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। यहाँ पे मैं वो भी डिस्कस करूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेट में ही जॉब करना है तो उनको सिर्फ स्टेट ओरिएंटेड गवर्नमेंट जॉब्स ही देखना चाहिए। स्टूडेंट, जैसे कि आपने अभी 12th बोर्ड दिया है तो आपने जो एग्जाम दिया वो बोर्ड एग्जाम दिया और बोर्ड कंडक्ट किया था फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। वैसे ही अगर आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करना है तो आपको भी एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे अलग अलग बोर्ड्स के अंदर, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ये सब एक बोर्ड है यानी कि कमिटी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है। अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग सब में पोस्ट होते हैं, तो आपको कौन सा पोस्ट करना है उसके हिसाब से आपको उसका एग्जाम देना होगा। जैसे अगर मैं एसएससी की बात करूंगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अंदर जो फेमस जॉब के लिए, एग्जाम्स के लिए जो स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं वो है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, सीएचएसएल। इसके अंदर बहुत वेरियस पोस्ट मिलते हैं इसलिए स्टूडेंट ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं आफ्टर 12th। उसके अलावा स्टेनोग्राफर का जॉब है, मल्टीटास्किंग का जॉब है, जीडी कांस्टेबल का जॉब है, ऐसे जॉब्स और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, बट बेसिक जॉब्स मैं आपको बता रहा हूँ। आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर मिल सकता है। यूपीएससी की बात करूंगा तो यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए, नेशनल कोस्ट गार्ड, इन सारे जॉब्स को आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं आरआरबी की बात करूंगा तो आफ्टर 12th आप एनटीपीसी का एग्जाम्स देके रेलवेज में जॉब पा सकते हो। हम आज इन सब जॉब्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। सीएचएल एग्जाम्स करने से क्या आपको फायदा हो सकता है, क्या जॉब मिल सकता है, कितना सैलरी होगा, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हो तो कौन से जॉब्स आपको मिल सकता है, क्या सैलरी होगा, एग्जाम्स कैसे, इन सारे जॉब्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज हम देखते हैं एसएससी के अंदर सीएचएसएल का एग्जाम्स देंगे तो कौन से जॉब्स हमको मिल सकते हैं। सीएचएसएल के एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है। पहले तो हम देखेंगे इसके लिए कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड 12th स्टैंडर्ड इन एनी स्ट्रीम कैन ऑप्ट फॉर सीएचएसएल एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय एसएससी फॉर विच नोटिफिकेशन आर इशूड बाय एसएससी ऑन देयर वेबसाइट। सीएचएसएल के एग्जाम्स के लिए जिन्होंने अभी 12th क्लियर किया है वो लोग सब अप्लाई कर सकते हैं और इसका नोटिफिकेशन ईयरली, वंस इन अ ईयर आता है और इनका नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पे दिया जाता है। अगर आप सीएचएसएल का एग्जाम देते हो और आप क्लियर होते हो तो आपको कौन से पोस्ट मिल सकते हैं? तो यहाँ पे आपको डेटा एंट्री का पोस्ट, लोअर डिवीजन क्लर्क का पोस्ट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, ऐसे जॉब मिल सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी बेसिक 18,000 से मैक्सिमम 32,000 तक जाता है, ये पोस्ट वाइज डिफर करता है। अब ये मैंने जो सैलरी दिया है एक टेंटेटिव सैलरी दिया है, हर पोस्ट में अलग अलग सैलरी हो सकता है। CHSL के एग्जाम्स कैसे होती है? तो यहाँ पे CHSL के एग्जाम तीन स्टेज में होती है। पहला स्टेज होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन को और 60 मिनट्स दिया जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग्स भी होते हैं, हर रॉन्ग आंसर को 0.50 मार्क्स कट होता है।
CHSL के दूसरा टायर एग्जाम जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टायर यानी कि ऑफलाइन एग्जाम्स होता है। जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट एग्जाम क्लियर किया है उन्हीं को सेकेंड टायर एग्जाम देना है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग्स नहीं होता है। यहाँ पे टोटल 33% मार्क्स निकालना बहुत जरूरी है। CHSL का थर्ड टायर एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर और टाइपिंग टेस्ट किया जाता है, यानी कि आपको कंप्यूटर नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि आप पोस्ट ऑफ क्लर्क की बात कर रहे हो, पोस्टल असिस्टेंट की बात कर रहे हो, लोअर डिवीजन क्लर्क की बात कर रहे हो, तो कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। तो इस तरह से आप CHSL का एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ के बारे में तो ये एग्जाम फिर से SSC कंडक्ट करती है। इंपॉर्टेंट बात है कि 10th के स्टूडेंट भी ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली 12th के बाद के स्टूडेंट्स ये जॉब के लिए प्रेफर करते हैं बट 10th के बाद के स्टूडेंट भी ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्स हैं वो MTS एग्जाम्स लेती है ग्रुप सी नॉन गैजेट नॉन मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो कि SSC कंडक्ट करती है। इसका भी नोटिफिकेशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। What kind of job student can get after a successful completion of these exams? तो यहाँ पे प्यून की जॉब मिल सकती, चौकीदार, माली, ये सारे जॉब्स यहाँ पे मिलते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट भी साथ में आपको मिलता है। इसका एग्जाम दो स्टेज में लिया जाता है। पहला स्टेज जो होता है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा जिसमें 90 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाता है। इसमें मोस्टली इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद सेकेंड स्टेज पे जाते हो जहां पे आपको एक 30 मिनट का एसे टाइप क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर टाइप या लेटर टाइप पेपर लिखना होता है आपकी रीजनल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो भी आप प्रेफर करते हो। अब बात करते हैं SSC जनरल ड्यूटी कांस्टेबल यानी कि GD कांस्टेबल के बारे में। जिन्होंने अभी अभी 10th कंप्लीट किया है वो ये एग्जाम ऑप्ट कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। 10th के बाद के स्टूडेंट या 12th के बाद के स्टूडेंट दोनों इस एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। जैसे ही आपका ये एग्जाम क्लियर होता है तो आप कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाते हो, BSF, CRPF, CISF, SSB, SSF, NIA, ITBA या राइफलमैन, मतलब आप जब एग्जाम्स दोगे तो इन सारे पोस्ट के लिए आप एग्जाम्स दे सकते हो। एग्जाम जो है वो चार स्टेज में होता है। पहला स्टेज है CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन होगा। दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड देन मेडिकल टेस्ट। ये चारों एग्जाम्स देना कंपलसरी है। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा ये 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के 100 मार्क्स पे एग्जाम्स होगा। क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथ्स एंड इंग्लिश और हिंदी, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप जैसे ही CBE क्लियर करते हो आपको PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है। नेक्स्ट उसके बाद आप PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोगे और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी। ये एग्जाम UPSC के अंडर आता है। स्टूडेंट जिन्होंने 12th कंप्लीट किया है वो ये एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि यहाँ पे आपका मैथ स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसलिए मोस्टली साइंस के स्टूडेंट इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट कॉमर्स में जिसका सब्जेक्ट मैथ्स है वो लोग भी ये एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। ये साल में 2 बार होता है, आप दोनों बार एग्जाम्स दे सकते हो, जिसका नोटिफिकेशन इनके वेबसाइट पे दिया जाता है। इसके अंदर 3 कैटेगरी है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। अलग अलग पोस्ट हर एक के अंदर है, आप जो चाहे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जाम 3 स्टेज में होगा। पहला स्टेज होगा मैथमेटिकल, दूसरा GAT यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट और तीसरा SSB के थ्रू इंटरव्यू सेशन लिया जाता है। मैथ्स की बात करें तो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको टेस्ट देना पड़ता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में बात करें तो इंग्लिश, जनरल लॉजिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है। ऑल द कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम्स आर रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर रिटन एग्जाम। द रिटन एग्जाम्स कंप्राइज ऑफ 2 सेक्शन, मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट। द टेस्ट कैरीज टोटल 900 मार्क्स। कैंडिडेट हु ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जाम आर कॉल्ड फॉर SSB इंटरव्यू। स्टूडेंट्स अब बात करेंगे नेशनल कोस्ट गार्ड के बारे में। नेशनल कोस्ट गार्ड एग्जाम जो है UPSC के अंडर आता है। जिन्होंने 12th कंप्लीट किया वो एग्जाम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके 12th में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है।
जैसे ही आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको कोस्ट गार्ड की ड्यूटी मिल सकती है, और ये जो ड्यूटी है बहुत ही चैलेंजिंग ड्यूटी है। इसमें आपको बाहर घूमने जाने मिल सकता है, बट आपको हर वक्त एक्टिव रहना होगा। जब भी सिचुएशन आपको डिमांड करे आपको रेडी रहना है। इसके एग्जाम्स की बात करें तो तीन स्टेज में एग्जाम्स होगा। एक रिटन एग्जाम्स होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होता है, दूसरा फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाता है, और तीसरा है मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हर एक पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। जैसे हाइट आपका कंसीडर होगा, आपका चेस्ट, आपका वेट, आपका हियरिंग पावर, आपका विजुअल स्टैंडर्ड, आपके बॉडी पे कोई टैटू वगैरह है या नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। अगर आप ये क्लियर करते हो तो ही आप कोस्ट गार्ड की ड्यूटी के लिए एप्लीकेबल होते हो। अब बात करते हैं एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ये एग्जाम्स आरआरबी के अंडर आता है, जिन्होंने ट्वेल्थ कंप्लीट किया है। इवन ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स भी ये एग्जाम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब की बात करें तो ट्वेल्थ के बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर, ऐसे जॉब्स आपको मिल सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 20,000 के रेंज में प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको मिलता है। एग्जाम्स दो स्टेज में होगा, एक ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और दूसरा जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। आई जस्ट होप आपके सारे डाउट्स गवर्नमेंट जॉब्स को लेके क्लियर हुए रहेंगे। ये मैंने बेसिक जॉब्स के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जो आप आफ्टर ट्वेल्थ कर सकते हो। मैंने प्रेफरली जो आपके लिए इजी है और आप कर सकते हो उसके बारे में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं ट्राई करूँगा आपके सारे कमेंट्स को रिप्लाई करने का। और अगर कुछ भी अलग डाउट है जो आपको किसी जॉब से रिलेटेड है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।